जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा यस एकेडमी में। और ये हमारी जो पोल्ट्री सीरीज चलाई जा रही थी, ये उसी में आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के बात करेंगे। आज का हमारा एक नया चैप्टर है, वो है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल एक ऐसा चैप्टर है कि राज्यपाल से हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। क्योंकि राज्यपाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि राष्ट्रपति को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो राज्यपाल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज में सिमिलरिटी है, कुछ असमानताएं भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यदि तो राज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि राज्यपाल को समझने से पहले आप थोड़ा राज्यपाल के बारे में सोचो कि आप जिस जिस राज्य के हो, आपको ये सोचना है कि आपके यहाँ का राज्यपाल कौन है, ठीक है। फिर आपको ये सोचना है कि राज्यपाल की अच्छी राज्यपाल का चुनाव होता है क्या? अच्छा, चुनाव नहीं होता, उसको कोई नियुक्त करता है, तो नियुक्ति कौन करती है, मतलब नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये सब बात है ना इसका, जैसे कि उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसका कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, उसको शपथ कौन दिलाता है, तो इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम मोटे तौर पर यदि हम इसके बारे में बात करें तो यदि हम राष्ट्रपति से तुलना करके ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में कौन है, राष्ट्रपति है, इसी प्रकार से राज्यों में कौन है, राज्यपाल। तो चलिए बिना देरी गवाए हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, राज्यपाल के परिचय के बारे में बात करें हम, तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने संघ की कार्यपालिका आपको कराई थी, तो हमने संघ की कार्यपालिका में कौन कौन कराए थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इनसे मिलकर क्या बनती है, संघ की कार्यपालिका बनती है। उसी प्रकार से यदि हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो राज्य की जो कार्यपालिका में होती है, देखो पहले तो हम अनुच्छेद 153 से 167 भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि जो राज्य की कार्यपालिका है तो वह किस भाग में है, तो भाग 6 में है, 153 से लेकर 167 तक है। अगला है, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में, राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें पहला इंपोर्टेंट पर्सन राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, ठीक है, अगला कौन है, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता, ये लोग इसमें राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो आज हम राज्य की कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन पोर्शन जिस प्रकार से हमने संघ की कार्यपालिका पढ़ी थी तो हमने राष्ट्रपति को प्राथमिकता दी थी, इसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में हम राज्यपाल को प्राथमिकता देंगे। तो राज्यपाल के बारे में बात करें तो देखो, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, इसको गवर्नर भी बोल देते हैं, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और कुछ मामले में उसे विवेकाधिकार का भी शक्ति दी गई है, ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती हैं जिनमें राज्यपाल बिना इसकी मंत्रिपरिषद के सलाह के भी कार्य कर जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ कंडीशन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम राज्यपाल के बारे में यदि हम शुरुआत करें, राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी कि संवैधानिक मुखिया, यानी कि राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होगा वो कौन होगा, राज्यपाल, और राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया कौन होगा, राष्ट्रपति। देखो मैं आपको राष्ट्रपति को भी रिकॉल कराते चलूंगा साथ साथ में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आप रिवीजन भी करते होंगे, ठीक है। अब देखो, ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखो इस बात पर विवाद बना रहता है, विवाद क्यों बना रहता है, क्योंकि हमेशा जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जो राज्य का प्रतिनिधि के रूप में इनकी नियुक्ति होती राज्यपाल की, ये हम पर अंकुश लगाते रहते हैं, यानी कि हमारी बातों को क्या, केंद्र तक पहुंचाते रहते हैं और इन पर आरोप भी लगाए जाते रहते हैं, इसलिए ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कौन, राज्यपाल की बात चल रही है, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला है, इनकी स्थिति राज्य में वही है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, ठीक है, वही बातें लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लेना, जो स्थिति केंद्र में राज्यपाल की होती है, जो स्थिति
हाँ हेलो, क्लास करा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो जो जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। क्लियर। अगला है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, क्वेश्चन इस पर स्टार लगा लेना, ये समझ लो ये क्वेश्चन बनना ही है। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो ध्यान रखना, आपको बोल देना है कि सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और उस सातवें संविधान संशोधन में ये बोल दिया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। क्लियर। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं, यानी कि आप जिस राज्य में हो, ठीक है, उस राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी होंगी उनके जो कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे आपके राज्य की। इतनी बात है इसमें। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में यदि मोटे मोटे हम बात करें तो नियुक्ति का प्रावधान सिंपल है, राष्ट्रपति द्वारा चुन लिया जाता है राज्यपाल को। कैसे, अब उसकी बारे में बात करते हैं। संवैधानिक कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ध्यान रखना। राज्यपाल का अपना एक संवैधानिक कार्यालय है, यानी कि संविधान में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि राज्यपाल का एक कार्यालय होगा, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि ये नहीं बोला गया कि केंद्र सरकार का अधीन है, ये नहीं बोला गया है। ये बोला गया राज्यपाल की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ये केंद्र के अधीन नहीं होंगे। ना तो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह, यानी कि राज्यपाल को ना तो जनता वोटिंग करती है। सपोज करो आपने कभी राज्यपाल को वोट दिया है? नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, क्योंकि और ना ही कोई सदस्य चुनता है। कौन चुनता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति चुन लेता है। किसकी सिफारिश पर? केंद्र की सिफारिश पर, ठीक है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति मुहर लगा देंगे कि हमने इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया। वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है, ध्यान रखना। वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत बेशक होता है, लेकिन वह केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है, वह एक वरिष्ठ पद है। अब राज्यपाल इस प्रकार की नियुक्ति के कारण, देखो अब हम बात थोड़ा देखते हैं। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य की संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है। कैसे? देखो, राज्य की जो संसदीय व्यवस्था है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी? केंद्र सरकार की सिफारिश पर। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि यदि सीधा चुनाव होगा, अगर राज्यपाल का चुनाव होने लगा तो देखो स्थिति कैसे होगी, क्योंकि देखो मुख्यमंत्री का चुनाव भी, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका भी चुनाव के द्वारा चुनाव मतलब नियुक्त किया जाता है। अगर राज्यपाल भी चुनाव के द्वारा नियुक्त होकर आएगा तो दोनों के बीच टकराव होगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल भी ये कहेंगे कि मैं भी, जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा है और तुमको भी चुन करके भेजा है, तो हमारे अधिकार बराबर होने चाहिए। इसलिए इनमें टकराव ना हो, इसलिए राज्यपाल का जो चुनाव नहीं होता है इनका, राष्ट्रपति द्वारा इनको चुन लिया जाता है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए भारी खर्च का कोई अर्थ नहीं है। केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। यह चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना ठीक नहीं है। तो वो एक पर्सनल मामला है कि किस व्यक्ति को राज्यपाल चुनना है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्च करने का, या मतदाताओं को इकट्ठा करो, वोटिंग करवाओ, तो इससे के बहुत खर्चा पड़ेगा। और वैसे भी यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कोई वास्तविक प्रमुख तो होता नहीं। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगर निर्वाचन होगा तो अवश्य राज्यपाल किसी ना किसी दल से जुड़ा होगा, तो वह निष्पक्ष मुखिया नहीं बन सकता। अगर चुनाव होगा तो किसी ना किसी पार्टी का तो होगा, और किसी ना किसी पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का, राज्यपाल दूसरी पार्टी का, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। तो उस स्थिति को सुलझाने के लिए, इसलिए इसका चुनाव की व्यवस्था नहीं की गई है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने के कारण राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा, कोई ना कोई कंडीशन तो रही होगी। इसलिए उन्होंने, केंद्र सरकार ने
राज्यपाल को अपने द्वारा नियुक्त करके राज्य में भेज दिया है ताकि केंद्र का नियंत्रण राज्य पर बना रहे। अगला है, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनावों में समस्या उत्पन्न करेगा। यदि राज्यपाल का सीधा निर्वाचन होगा तो राज्य में क्या होगा, आम चुनावों में समस्या उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसकी उसका उम्मीदवार लड़े। अब हर सीएम ये चाहेगा कि मेरे पक्ष का राज्यपाल आए, तो इससे क्या होगा, यदि राज्यपाल तुम्हारे पक्ष का आएगा तो भाई तुम तो कोई भी नियम कानून बनाकर राज्यपाल से साइन करवा लोगे। ऐसा नहीं है, राज्यपाल केंद्र का होना चाहिए और वो निष्पक्ष तरीके से काम करे। यदि मुख्यमंत्री की जो सभा है, विधानसभा है या विधान परिषद है, उसने अगर कोई भी कानून पारित करके भेजा है तो राज्यपाल उसको अमान्य भी घोषित कर सकता है, ठीक है, उस पर वीटो का इस्तेमाल भी कर सकता है और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी कर सकता है। तो ये अधिकार उसके लिए होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो स्थिति क्या होगी, भयावह होगी। जिस अब सपोज करो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उसी पार्टी का राज्यपाल हो जाए तो इससे क्या होगा, स्थिति बिगड़ जाएगी इससे। यानी कि जो कानून कैसा बना दो, तुम्हें पता है कि राज्यपाल हमारी पार्टी का है ही है, साइन तो कर ही देगा, कानून तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राज्यपाल क्या होगा, उसकी पार्टी संबंधित नहीं होना चाहिए, वो क्या हो, वो राष्ट्रपति ही उसको चुन देता है। इसीलिए अब देखो क्या क्या योग्यता है राज्यपाल के लिए, क्या क्या योग्यता है गवर्नर के लिए, क्या क्या योग्यता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो पहला तो एक कंडीशन सेम रहती है, वह भारत का नागरिक हो। अब तुलना करो राष्ट्रपति की हमने कितनी आयु बताई थी, 35 वर्ष। जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह राज्यपाल बन सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। अगला हम देखें इसमें, यदि अगला हम देखें किसी राज्य में, यानी जिस राज्य में उसे एज ए राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का ना हो। यानी कि सपोज करो यदि किसी व्यक्ति को यदि बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वह व्यक्ति बिहार का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह लोकल राजनीति से जुड़ जाएगा और क्या होगा, सही तरीके से अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाएगा। जब राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा हो तो उस राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केंद्र सरकार डायरेक्ट सिफारिश करती है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देता है। इसी चीज को लेकर के, इसी बात को लेकर के विवाद रहता है कि मुख्यमंत्री से सिफारिश करना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। बस एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि उसका आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ध्यान रखना यहां से एक ही क्वेश्चन ये बन सकता है। यदि हम अगली बात करें, हम राज्यपाल की क्या क्या शर्तें हैं, यदि हम शर्तों की बात करें, ठीक है, यदि हम शर्तों की बात करें राज्यपाल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल का पद प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उन शर्तों के बारे में बात करते हैं हम। देखो वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का। ध्यान रखना यदि किसी व्यक्ति को यदि राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्य विधानमंडल का। यदि वह है तो पद ग्रहण के पहले से उसे सदन का सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। सपोज करो यदि कोई व्यक्ति आज राज्य का राज्यपाल बनना चाह रहा है, ठीक है, और उसे पद ग्रहण करना है तो उस पद ग्रहण के दौरान यदि वह संसद का सदस्य है या फिर राज्य के विधानमंडल का सदस्य है तो उसे वो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, उसी के बाद वह राज्यपाल के पद को ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि राज्यपाल विधानमंडल का भी सदस्य, ध्यान रखना राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अगला है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद वही मैंने आपको बताया था, मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये क्या है, ये लाभ के पद नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्य का मंत्री है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। अन्य सरकारी पद पर है तो वह लाभ का पद है, उस पर उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा, यानी कि राज्यपाल जब तुम चुन लिए जाओगे तो आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, आपको राज्यपाल भवन मिल जाएगा। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उसे मिलेंगे, यानी कि संसद द्वारा जो वेतन भत्ते निर्धारित होंगे वही वेतन भत्ते। देखो यहां से क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो विधानमंडल से मिलते हैं, ध्यान रखना, नहीं
क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जा रही है, तो उसको वेतन भत्ते कौन देगी? संसद देगी। अगर वह दो राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति तय करेगा उसके भत्ते। यदि कोई व्यक्ति यूपी का भी राज्यपाल है और बिहार का भी राज्यपाल है तो उस व्यक्ति के वेतन भत्ते कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति जी तय करेंगे। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, उसे कारावास में नहीं डाला जा सकता, यानी कि राज्यपाल अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं तो उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती पद के दौरान, ठीक है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता। ये उनके लिए कुछ स्पेशल शक्तियां दी गई हैं। अगर राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो 2 माह का नोटिस दिया जाएगा। यदि वही बात जो राष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी, यदि राज्यपाल ने कोई अपराध कर दिया है तो उन्हें 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, उस 2 महीने के बाद ही उन पर कोई भी कार्रवाई हो सकेगी। क्लियर। 2018 के अनुसार उनका वेतन 1,10,000 से बढ़कर 4,00,000 प्रतिमाह हो गया है। भाई वेतन तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 4,00,000 रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी शपथ ग्रहण के बारे में। देखो, इनको शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, अगर वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति को याद करो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे थे? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे थे, अगर वो उपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला रहे थे राष्ट्रपति को। इन कंडीशन में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य की जो हाई कोर्ट होगी उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, अगर वो भी उपस्थित ना हो तो उस हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। क्लियर। अब हम थोड़ा पदावधि के बारे में बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो कितने वर्ष की होती है। देखो, 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल को पद पर बना रहने दे सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल जी कभी भी अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उनको नियुक्त किया है। यानी कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र देने चाहते हैं तो वह किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल के बचे कार्यकाल के लिए उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि अगर सपोज करो राज्यपाल एमपी के कोई राज्यपाल हैं, उनका कार्यकाल रह गया है 1 वर्ष का, तो राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें बिहार में ट्रांसफर कर सकते हैं उस बचे हुए 1 वर्ष के लिए। क्लियर। तो ध्यान रखना, राज्यपाल का जो ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो उसे उसी राज्य दूसरे राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो या तो उसी राज्य में उसे दोबारा राज्यपाल बना दिया जाएगा या किसी दूसरे राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगला है, वह तब तक पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण ना कर ले। सपोज करो यदि राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो जाता है, 5 वर्ष पूरे हो गए उसके, लेकिन वह तब तक अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक कि दूसरा राज्यपाल पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वह अपने पद पर एज ए डेस बना रहेगा। अगला है, अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल बनाया जा सकता है। कुछ दिमाग में कुछ आई तुम्हारी बात? राष्ट्रपति को लेकर के हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था यदि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कारण से तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कर लेगा। यदि ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी होंगे, सीजीआई होंगे, वो कार्यभार संभालेंगे। इसी प्रकार से अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर, मतलब टेम्परेरी तौर पर, राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब एक बात यहां पर क्लियर हुई हमारे, अब जो जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई थी वही शक्तियां एज डेस्क, कुछ कुछ अंतर है
वही शक्तियाँ राज्यपाल को भी दी गई हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में कोशिश ये की है कि राज्यपाल से संबंधित जो जो फैक्ट थे, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, अगर ये भी ना हो तो कौन दिलाएंगे, तो शपथ दिलाएंगे इन्हें वरिष्ठ न्यायाधीश हाई कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद इनका जो कार्यालय होता है वो संवैधानिक कार्यालय है, ये केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। एक बात और मैंने बताई थी, ये संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होंगे, वो होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, एक बात और, अगर कोई व्यक्ति यदि उस राज्य का स्थायी रूप से नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी अन्य राज्य का होगा तभी, यानी कि यदि किसी कोई व्यक्ति यूपी का है तो वो यूपी का राज्यपाल नहीं बनेगा, उसे किसी अन्य क्षेत्र का होना चाहिए। क्यों अन्य राज्य का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर वो उसी राज्य का होगा तो वो लोकल जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो जो मुख्यमंत्री चुन के आया है तो उसमें क्या होगा, मिलीभगत हो जाएगी, इससे क्या होगा, जो कानून बनने की जो प्रक्रिया होगी उसमें बाधा पड़ जाएगी। कैसे, क्योंकि सदन में एक ही व्यक्ति का वो बहुमत नहीं होता है, अन्य पार्टियां भी होती हैं, विपक्ष भी होता है, अब विपक्ष की तो चलेगी नहीं, जब राज्यपाल उन्हीं की पार्टी का हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का जो बहुमत दल का जो मतलब कह सकते हैं सदन होगा, उसने कोई भी कानून बनाया और पारित करके भेज दिया राज्यपाल के पास, अब राज्यपाल उन्हीं की पार्टी का होगा या फिर उसे जोड़ा होगा तो वो तो साइन कर ही देगा। इसीलिए राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी में संलिप्त नहीं होना चाहिए, इन सब प्रक्रियाओं को उसे पालन करना चाहिए। लेकिन राज्यपाल यदि किसी भी उसका, यदि वह राज्य का मंत्री है, केंद्र का मंत्री है, उपराष्ट्रपति है, तो राज्यपाल बनना जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये सब पद होते हैं ये लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और राज्यपाल के जो चयन के बारे में कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, बस इतना बोला गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और उनकी स्वेच्छा पर ही अपने पद का, अगर राज्यपाल को अपना पद त्यागना हो तो राष्ट्रपति को लिख कर दे देंगे और अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आएगा, और यहीं पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।